अमरोहा की नौगांवा सादात विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके अंतर्गत आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर अमरोहा पहुंचे थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने के बाद मीडिया के सवालों का भी खुलकर जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने मेधावी छात्र छात्राओं के घर तक सड़क बनाए जाने के सवाल पर बताया कि अभी जहां सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है वहां हो जाएगा। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बता दें कि सरकार के द्वारा घोषणा किए जाने के 2 साल के बाद आज तक मेधावी छात्र छात्राओं के घर तक सड़क नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य का यह दावा खोखला साबित हो रहा है। और फिल्म सिटी बनाए जाने पर विपक्ष को जवाब देते हुए उसे बेरोजगार बता दिया। वहीं कृषि बिल पर देश भर में चल रहे आंदोलन पर बोले कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए वह किसानों को गुमराह कर रहा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का दर्द भी जानता हूँ और मैं ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तब तक किसी का भी अहित नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के नाम पर एक सड़क का नामकरण भी किया और नौगांवा विधानसभा के लोगों से अपील भी की कि जिस तरह उन्होंने 2014 और 17 में अपना आशीर्वाद दिया था, उसी तरह इस उपचुनाव में भी अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। चौहान जी जो हमारे कैबिनेट के साथी थे, वह बहुत विकासवादी सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने अमरोहा ही नहीं, प्रदेश के विकास में, देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। आज उनके नाम से हमने अमरोहा जनपद की सड़क का नामकरण किया है और हम यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि जिस प्रकार से 2014-2017 में अपना आशीर्वाद हमें दिया, उसी प्रकार से 2020 के उपचुनाव में भी अपना आशीर्वाद दे, ऐसा हम अपील करके जाते हैं। आपको भी शामिल किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पदक जीत करके ले आते हैं ऐसे खिलाड़ियों के घर तक, और जो हमारे देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिक हैं उनके सैनिकों के घर तक गौरव पथ का नाम देते हैं। मेधावी बच्चों के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ, और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए जो नाम देते हैं मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ, और जो हमारे बलिदानी सैनिक हैं जय हिंद वीर पथ के नाम से मार्ग का निर्माण। मंत्री जी अभी तक बने नहीं, 2 साल हो गए उन बच्चों का, जो बच्चा कोई ऐसा बच्चा होगा तो आप हमारे जिलाध्यक्ष जी को, हमारे प्रभारी मंत्री जी को, हमारे विधायक जी को, पूरे प्रदेश के कोई ऐसा होगा आप दे दीजिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके लिए ना पैसे कमी है और ना कमी होने देंगे। धन्यवाद। ये तो हम पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ बसपा और जो है लोग सपा और लोकदल जो है मिलकर चुनाव लड़ने वाली, सब मिलकर के लड़ करके सब देख लिए हैं, लेकिन अब आप समझ लीजिए उनका भविष्य बहुत संकट में है, इसलिए वो इस प्रकार के मैसेज देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि चेतन चौहान जी को सच्ची श्रद्धांजलि नौगांव क्षेत्र की जनता देगी। रेलवे ओवरब्रिज भी बनाने की घोषणा कर रहे हैं, उसके लिए भी तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अभी सेतु निगम से संबंधित अधिकारी उनको निर्देश दे दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास तीव्र गति से हो रहा है, जो गुंडे माफिया अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो प्रभावशाली ढंग से चल रही है, आगे भी होती रहेगी। हमारा लक्ष्य गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश हो, भयमुक्त रह करके लोग अपना जीवन यापन करें और सर्वांगीण विकास, सभी जिलों का विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धन्यवाद। किसानों ने यहाँ नो एंट्री के बोर्ड लगाए हैं, धरना भी है तो उसको लेकर। देखिए, किसानों को विपक्ष मुद्दा विहीन है और वह किसानों को गुमराह कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान का दर्द भी जानता हूँ, और मैं पूरे दावे के साथ यहाँ पर कह रहा हूँ, जब तक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, न तो गरीबों का हित हो सकता है, न किसानों का हित हो सकता है। और यह जो कृषि सुधार विधेयक है, इस विधेयक के आधार पर किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। धन्यवाद।